हेलो फ्रेंड्स, इंस्टा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हक्का नूडल की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वेज हक्का नूडल का एक पैकेट लिया है, और यहाँ कढ़ाई रख देंगे गैस पे। हम उस पर पानी डाल देंगे, पानी में बॉईल आ चुका है, तो मैं इसमें ये पैकेट डाल दूंगी खोल के, और इसको हल्का सा इस तरह से स्टर कर लेंगे। और इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए बॉईल करना है इसको। अब देख सकते हैं 1 मिनट हो चुका है और ये सारे नूडल्स अलग हो चुके हैं। तो ये मैं इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करूँगी, इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला रखा है, उसके ऊपर ये छन्नी रख दी है, और इसमें हम सारे नूडल्स का पानी अलग कर लेंगे। इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि गर्म की वजह से आपस में चिपके ना, इसलिए मैं इसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं इसकी स्टीम सारी निकल चुकी है, नूडल भी एकदम अलग हो रहा है। तो इसको मैं 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दूंगी। तो हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करके हमें साइड में रख देना है, बार बार इसको टच नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल डाल देंगे 2 बड़े चम्मच के करीब, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे गैस को एकदम हाई रखना है, हम इस नूडल्स को हाई गैस पे पकाएंगे, गैस लो या मीडियम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए, एक बड़ा कटा लंबा प्याज था उसको मैंने डाल दिया इसके अंदर। उसके साथ ही यहाँ पे मैंने गाजर लंबी पतली पतली कट करके रखी थी, यहाँ पे 2 गाजर ली थी मैंने, और एक शिमला मिर्च को भी पतला पतला कट कर लिया इस तरह से। और इन दोनों को अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। और साथ में मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, 1 कप पत्ता गोभी ली है छोटा, पत्ता गोभी भी एकदम बारीक कटी हुई है। और इन सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें नूडल्स डाल देंगे। हमने सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, बस हल्का सा सोटे किया है। सब्जियां ज़्यादा कुक हो जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी खाने में नूडल्स के साथ में। मैं इसमें 1 छोटा चम्मच पेपर पाउडर डाल दूंगी, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं विनेगर डाल दूंगी, यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाल दिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1/2 चम्मच यहाँ पे मैंने सोया सॉस ऐड किया है, 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे ग्रीन चिल्ली सॉस, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने रेड चिल्ली सॉस डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी नूडल्स रेडी हो चुका है, तो मैं इसको सर्व कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारी ये हक्का नूडल्स बनके एकदम तैयार हो चुके हैं, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।